पेशी पर आया शख्स जांबहक हो गया। मकतूल ने दो अफराद के कत्ल केस में अबूरी जमानत करा रखी थी। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम अकमल खान से। नसीम अकमल, क्या तफसीलात हैं, किस तरह से इस शख्स को कत्ल किया गया? जी बिल्कुल, यह वाकया सिविल कोर्ट मलिकवाल में पेश आया, जहां म्याना गोंदल का रहायशी बिलाल समोर कत्ल केस में पेशी के लिए आया था, तो किराए के कातिल ने अदालत के दरवाजे के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि मुलजम को पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल बिलाल समोर जो है 14 साल कबल म्याना गोंदल में दो अफराद को कत्ल किया था और 13 साल इश्तियारी रहा। बिलाल समोर ने अबूरी जमानत करवा रखी थी। पुलिस मुलजम असान उल्लाह को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि पुलिस के मुताबिक अपना हमारे जराय के मुताबिक वहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी के निजाम नजायज नाकस थे, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। जी बहुत शुक्रिया नसीम अकमल।